भूषण ज्वेलर्स। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। बिग बी ने अपनी छवि, व्यक्तित्व विशेषताओं, आवाज और नाम की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाया है। याचिका दायर होने के बाद जाने माने वकील हरीश सालवे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से पक्ष रखा और तमाम दलीलों को सुनने और समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसके मुताबिक अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का उपयोग नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। विभिन्न विज्ञापनों में उनकी आवाज और उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब अमिताभ बच्चन की अनुमति या प्राधिकरण के बिना अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई भी उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग नहीं कर सकता। व्यक्तित्व अधिकार, जिसे प्रचार का अधिकार भी कहा जाता है, एक व्यक्ति के लिए अपनी पहचान जैसे नाम और छवि के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रण करने का अधिकार है। अदालत ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।